खबर यमुनानगर से। अब आपको बता दें, सिविल अस्पताल के निको वार्ड में लगी आग और शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी। निको वार्ड में मौजूद थे नवजात बच्चे, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निको वार्ड में नवजात बच्चे मौजूद थे जिस समय आग लगने की ये घटना हुई, तो शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। सिविल अस्पताल के निको वार्ड में ये आग लगी और दरअसल शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यमुनानगर में सिविल अस्पताल में आग लग गई और हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते ही सभी नवजात बच्चों को वहां से बाहर निकाल लिया गया। तो यमुनानगर के सिविल अस्पताल की यह घटना है। दरअसल सिविल अस्पताल के निको वार्ड में अचानक से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस समय आग लगने की घटना हुई उस समय निको वार्ड में नवजात बच्चे थे, लेकिन गनीमत रही कि बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी सोनी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, क्या वजह रही इसके पीछे और कितने बच्चे उस समय मौजूद थे जब ये आग लगी? क्या सभी बच्चे सुरक्षित हैं? बिल्कुल वंतिका, सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं। और यमुनानगर के सिविल अस्पताल में जो निको वार्ड है उसमें बताया जा रहा है कि एसी में अचानक जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से ये आग लगी है। और आग लगते ही वहां पर जो बच्चे मौजूद थे, बच्चों के घर वाले जो मौजूद थे, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना जो थी वो भी दी गई थी और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और बताना चाहूंगी कि वार्ड में उस समय करीब 9 के करीब बच्चे थे और जैसे ही आग का पता चला तो वार्ड के शीशे तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। और गनीमत ये रही कि समय रहते इसका पता चल गया और आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जी अवंती, बहुत शुक्रिया रजनी सोनी तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ये गनीमत रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि समय रहते ही सभी नवजात बच्चों को इस वार्ड से बाहर निकाल लिया गया।